वेलकम बैक मकतुमे के साथ। आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और आज के टाइम पे अंडर 20 के ये वन ऑफ द बेस्ट फोन देखने मिलते हैं, सैमसंग का M35, आईक्यू का G9S जो अभी अभी लॉन्च हुआ है और आईक्यू का G9। और हम करने वाले हैं तगड़ी गेमिंग टेस्ट। हाँ, गेमिंग के अंदर ही हम इनको कंपेयर करके चेक करेंगे कि किसके FPS बेटर निकल के आते हैं, कौन ज्यादा हीट होता है, किसकी ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है। हाँ, सैमसंग थोड़े अलग ऑडियंस को टारगेट करता है, फिर भी सैमसंग ने M35 के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। इनके प्रीवियस वर्जन आप देखते हो तो इनके अंदर भी, मतलब सैमसंग के अंदर भी ये गेमिंग में कैसे परफॉर्म करता है सारी चीज आपको पता चल जाएगी। और आईक्यू G9S ये भी नया फोन है तो इसके भी FPS टकाटक सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले मैं इनिशियल टेम्परेचर इनका दिखाऊं तो कितना क्या है, बाकी बाद में हीट होते कि नहीं ये भी चेक करना है। आईक्यू G9 30 के अराउंड है, G9S 24 के अराउंड और M35 32 के अराउंड है। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर है और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है ना ये लगभग 26 के आसपास देखने मिलता है। मतलब हाँ, बिल्कुल यहाँ पे गर्मी वगैरह नहीं है। बाकी सबको मैंने 100% चार्ज किया है क्योंकि एट द एंड गेमिंग खेलने के बाद किसकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है ये भी हमें चेक करना है। हाँ, यहाँ पे सैमसंग के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है और आईक्यू G9S के अंदर भी 5500 mAh की बैटरी है, बाकी 5000 mAh बैटरी हमें G9 के अंदर देखने मिलती है। पर जो ब्राइटनेस है ना, सबसे ज्यादा ब्राइट मुझे यहाँ पे G9S यहाँ पे फील हो रहा था और सबसे लो ब्राइट था यहाँ पे सैमसंग का M35, फिर भी सबकी ब्राइटनेस यहाँ पे मैंने 100% रखी है। तो चलो, उसके बाद जो आईक्यू के अंदर मॉन्स्टर मोड है ना दोनों फोन के अंदर देखने मिलता है, इसको यहाँ से मैं इनेबल कर रहा हूँ। बाकी ऐसा परफॉर्मेंस मोड तो नहीं है सैमसंग के अंदर, बट इनके गेम मोड के अंदर होगा तो मैं इनेबल कर दूंगा। हाँ, तीनों भी फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से यहाँ पे कनेक्टेड है। बाकी बात करें प्रोसेसर की तो यार ये पूरे के पूरे डिफरेंट यहाँ पे देखने मिलते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दो फोन डेमेंसिटी के प्रोसेसर के साथ आते हैं। G9 के अंदर डेमेंसिटी 7200 है तो डेमेंसिटी 7300 हमें G9S के अंदर देखने मिलता है, तो सैमसंग के अंदर एक्सोनस 1380। उसके बाद परफॉर्मेंस स्कोर की भी बात करें तो यहाँ पे ज्यादा स्कोर निकल के आते हैं आईक्यू G9 के, बाकी यहाँ पे स्कोर आप देख सकते हो। बाकी BGMI को एट ए टाइम तीनों के अंदर ओपन करके देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फोन यहाँ पे कर पाता है। 1 2 3 एंड प्रेस। भाई सबसे पहले था सैमसंग, ओके, उसके बाद आईक्यू G9S और सबसे लास्ट आईक्यू G9, ओके। और उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो फटाफट मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो तीनों भी फोन स्मूथ प्लस एक्सट्रीम को सपोर्ट करते हैं, मतलब 60 FPS का सपोर्ट और ऊपरी साइड में FPS मीटर भी है, यहाँ पे भी 60 शो हो रहा होगा। बाकी यहाँ पे HDR की बात करें तो HDR के अंदर तीनों भी फोन अल्ट्रा शो करते हैं, मतलब 40 FPS का सपोर्ट, बट हम मैक्स यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के अंदर ही तीनों के अंदर गेम प्ले ट्राई करेंगे। मतलब हमें मैक्स FPS के अंदर ही देखना है कि कितने स्टेबल FPS मिल जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सैमसंग से, ऊपर के साइड में FPS मीटर है, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए आपको। और सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा अरेना में, देखते हैं कि TDM के अंदर ड्रॉप होते कि नहीं। और स्टॉपवॉच को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टार्ट। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है यार, अच्छे से लाउड बजते है, फोन थोड़ा बड़ा है, मोटा फील होता है हाथों में, बट राउंडेड यहाँ पे होने की वजह से फिट होता है गेमिंग के लिए हाथों में इजीली। बाकी जायरो की बात करें तो जायरो यहाँ पे स्मूथ फील होता है, ऐसा कोई डिले वगैरह तो नहीं है बिल्कुल जायरो में, देख सकते हो। यस, तो यार हाँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस था शेयर करूंगा, बट उसके पहले टेम्परेचर की यहाँ पे बात करें, सामने के साइड से लगभग 36 और बैक साइड से यहाँ पे थोड़ा गर्म फील हो रहा था, 36 ही है तो हीटिंग तो बिल्कुल नहीं है। और हाँ यार, अच्छे खासे FPS मेंटेन करके रख रहा था ये TDM के अंदर, तो फिर भी मैं इसके एवरेज FPS यहाँ पे दिखाऊं, देख सकते हो 55 FPS के आसपास था TDM के अंदर और जायरो वगैरह भी स्मूथ था, तो हाँ TDM का एक्सपीरियंस तो सही है। बाकी क्लासिक में कैसे परफॉर्म करता है आगे हम चेक ही करेंगे, बट सही लगा TDM का एक्सपीरियंस। उसके बाद हमने गेम को स्टार्ट किया अपने आईक्यू G9S के अंदर, दिखने में मस्त फोन लगता है, स्लिम फोन है बहुत ज्यादा, हाँ कॉम्पैक्ट है, हाथों में बैठ जाता है इजिली। और यहाँ पे कर्व डिस्प्ले इसके अंदर,
बाप जीत भी गए। बट सबसे पहले टेम्परेचर की यहाँ पे बात करें तो फ्रंट साइड से इसका टेम्परेचर है लगभग 34 के अराउंड और बैक साइड से है 34 के अराउंड। हाँ, हीटिंग तो नहीं है और सैमसंग के मुकाबले 1-2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कम है ये। और हाँ, इसके FPS की यहाँ पे बात करें और यहाँ पे मैं क्लियर कट इसके FPS दिखाऊं तो 57 FPS के आसपास था TDM के अंदर, तो ये भी अच्छे खासे FPS माने जाएंगे TDM के लिए। बाकी हाँ, क्लासिक में कैसे परफॉर्म करता है आगे जाके हम चेक करेंगे, बट स्मूथ जायरो था और FPS भी TDM के अंदर सही निकल के आ रहे थे। उसके बाद हमने गेम को स्टार्ट किया आईक्यू G9 के अंदर और ऊपरी साइड में FPS मीटर इसके ऊपर ध्यान देना और इसका भी जायरो सुपर स्मूथ देखने मिलता है। तो इसके भी टेम्परेचर की यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो फ्रंट साइड से है लगभग 35 के अराउंड और बैक साइड से है 35 के अराउंड ही। हाँ, तो यहाँ पे हीटिंग तो बिल्कुल मानी नहीं जाएगी। और इसके FPS की बात करें, ये भी 56.8 FPS के आसपास था, तो हाँ यार FPS ये भी रख रहा है अच्छा खासा। और यहाँ पे जायरो में वगैरह कोई डिले नहीं है, एक दो बार ही थोड़े से ड्रॉप मुझे देखने मिले थे, लगभग आया था हाँ 53 के आसपास आया था, बट सही थे, FPS सही मेंटेन करके रख रहा है। बाकी एक क्लासिक में इसे परफॉर्म करता है, चलो आगे जाके हम चेक ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लासिक मैच को मैंने स्टार्ट किया आईक्यू G9S से, ऊपर के साइड में FPS मीटर है और ये रैंकड एरियांगल है और यहाँ पे हम ओशियन पैलेस के अंदर जाएंगे। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं, तो यहाँ पे फ़ोन कैसे परफॉर्म करता है, मतलब सारे फ़ोन सबसे पहले इसी मैप से हम टेस्ट करेंगे। जेम ड्रॉप 54 के आसपास आया था। चलो यार, हमने बहुत सारे मैचेस इसके अंदर खेले हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो फ्रंट साइड से है इसका टेम्परेचर 36 और बैक साइड से 36 के अराउंड ही, हीट तो बिल्कुल नहीं हुआ। और जो एवरेज FPS यहाँ पे निकल के आ रहे थे तो लगभग 54 FPS के आसपास था टोटल। रैंक रही रैंगल ओशियन पैलेस प्लस नूसा मैप मैंने ट्राई किया था। हाँ, FPS में फ्लक्चुएशन आते हैं बट आपको मॉडरेट लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस इतने कम प्राइस में मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 47 के आसपास भी कुछ टाइम आया था। और जैसे बंदे क्लियर होते जाते हैं ना, वैसे वैसे धीरे धीरे FPS को गेन करना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं आईक्यू G9 के साथ। उसके बाद हमने गेम को स्टार्ट किया अपने आईक्यू G9S के अंदर, ऊपर के साइड में FPS मीटर भी है, इसके ऊपर ध्यान देना। और फिर से हम रैंकड एरियांगल और ओशियन पैलेस के अंदर जाएंगे। ओके यार, बहुत सारे मैचेस इसके अंदर भी हमने ट्राई किए और टेम्परेचर की बात करें तो हाँ, क्लासिक मैच ट्राई करने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि हीटिंग महसूस हो रही है। 37 ओके, 36 और सराउंडिंग 27 सही है, हीटिंग तो बिल्कुल यहाँ पे मानी नहीं जाएगी। बट FPS का क्या हाल है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग इसके भी 54-55 FPS के आसपास ही एवरेज FPS देखने मिल रहे हैं। हाँ, ये भी फ्लक्चुएट करता है जब ज़्यादा एनिमी आते हैं, 48 पे आया था, कहाँ पे एरियांगल के अंदर, ओशन पैलेस के अंदर और मूसा के अंदर भी हल्के फुल्के यहाँ पे ड्रॉप आते हैं इनिशियली जब बहुत सारे बंदों की भसड़ होती है तो। पर धीरे धीरे FPS को गेम करना स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें इसकी अच्छी लगी मुझे। और 55 FPS मिल रहे तो सही है, मतलब आप मॉडरेट लेवल के प्लेयर वगैरह हो तो। बाकी चलो सैमसंग को ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद हमने गेम को स्टार्ट किया अपने सैमसंग के अंदर, सैमसंग M35, ऊपर की साइड में FPS मीटर है और हाँ, इसके अंदर भी हम रैंकड एरियांगल ओशियन पैलेस के अंदर जाएंगे।
तो चलो यार, सैमसंग के अंदर भी हमने बहुत सारे मैचेस ट्राई किए यहाँ पे। और सबसे पहले हीटिंग की बात करें तो फ्रंट साइड से है लगभग 38, ओके, बैक साइड से है 37, तो हाँ नॉर्मल ही है, ज़्यादा तो नहीं माना जाएगा यहाँ पे। ये आ रहे थे 50 के आसपास, 51 के आसपास। और हाँ, फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि आप इरेंगल रैंकड़ के अंदर, ओशन पैलेस के अंदर जाते हो तो यहाँ पे फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है। बाकी के सारे फ़ोन करते हैं बट धीरे धीरे मेंटेन करते हैं, बट इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 42, 42, 44, 50, ऐसे धीरे धीरे फिर ग्राफ ऊपर जाता है, फिर थोड़ा फ्लक्चुएशन कम देखने मिलता है, बट होता है, फ्लक्चुएट होता है अच्छा खासा। तो एवरेज FPS यहाँ पे मुझे 51 के आसपास देखने में मिले इसके। तो चलो यार, लगभग 1 आवर 18 मिनट्स यहाँ पे होने वाले हैं, और इसके बाद क्या बैटरी कितना ड्रेन हुआ है सारे फोन का, सारी चीजें टकाटक चेक कर लेते हैं। और हाँ, सैमसंग ने गेमिंग के टाइम पे ब्राइटनेस को भी ड्रॉप किया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस फुल है, उसके बावजूद भी ब्राइटनेस ड्रॉप कर जाता है ये। हाँ, बाकी यहाँ पे लगभग 1 आवर 18 मिनट्स के बाद बैटरी ड्रेन की बात करें तो 87% पे है आईक्यू G9, 88% पे है आईक्यू G9S और 90% पे है सैमसंग। सैमसंग ने ज़्यादा बैटरी यहाँ पे सेव किया है, बट किसने कितने mAh में कैपेसिटी के हिसाब से बैटरी को ड्रॉप किया है ऊपर के साइड में आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो, बट BGMI का विनर कौन सा निकल के आता है चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको बताऊँ, जैसे कि आप मतलब हाई रैंकड वाले बंदे हो, आप रैंकड के अंदर इरेंगल, ओशियन पैलेस के अंदर वगैरह जाते हो, तीनों के अंदर स्टार्टिंग में थोड़े से FPS में ड्रॉप आते हैं 45, 46, 47 के आसपास, बट वहाँ से ना ये आईक्यू के दो फोन अच्छे से धीरे धीरे गेन करना स्टार्ट करते हैं FPS को, जबकि सैमसंग को यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आईक्यू को भी टाइम नहीं लगता, बट आईक्यू को भी टाइम लगता है, बट सैमसंग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, इसलिए FPS में आप यहाँ पे एवरेज FPS में फ्लक्चुएशन देख सकते हो। यहाँ पे आईक्यू G9 लगभग 54 FPS के आसपास जा रहा था, तो आईक्यू G9S 55 FPS के आसपास था, तो सैमसंग लगभग 51 FPS के आसपास था। तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है गेमिंग के अंदर। पहले सैमसंग के फ़ोन के अंदर गेम खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बट M35 मैं बोल रहा हूँ कि सैमसंग के अंदर लिटरली इसने इम्प्रूवमेंट हुई है इसके परफॉर्मेंस के अंदर, तो मुझे चीज़ें अच्छी लगी। बट डेफिनेटली सैमसंग से बेटर यहाँ पे आईक्यू G9 और आईक्यू G9S गेम प्ले करवा रहे थे। जायरो के अंदर तीनों के अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्राइटनेस सैमसंग थोड़ा ड्रॉप करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट मैं सरप्राइज ये देख के ज़्यादा हुआ कि आईक्यू G9S भी आईक्यू G9 के मुकाबले 1-2 FPS, एवरेज FPS बोल रहा हूँ, ये बेटर निकाल के दे रहा है, बट ऐसा सच बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट मुझे लगा था कि डेमेंसिटी 7200 वाला जो आईक्यू G9 है ये और बेटर FPS निकाल के यहाँ पे दे पाएगा, बट ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे सिमिलर से FPS देखने मिले, इतना भी जमीन आसमान का यहाँ पे फर्क नहीं है। हाँ, आप कौन से इन्वायरमेंट में गेम खेलते हो, आप मतलब रैंक अनरैंक खेलते हो, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, बट मैंने सेम टेम्परेचर पे, सेम एटमॉस्फेयर पे, सेम BGMI के आईडी से टेस्ट किया है, तो ऐसे कुछ मुझे FPS यहाँ पे देखने को मिले। बाकी गेमिंग के लिए देखते हो तो आईक्यू के डिवाइस अच्छे है, बाकी सैमसंग ओवरऑल यूजर्स को भी ज़्यादा टारगेट करता है। और बाकी ये तो कोई फुल कंपेरिजन नहीं था, बट गेमिंग के अंदर यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें है टकाटक आपको पता चल गई होगी। और हाँ यार, दो दो तीन तीन घंटा एक जगह बैठना पड़ता है, तो आपको थोड़ा भी अप्रिशिएट करना, तो फटाफट लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3,25,000 सब्सक्राइबर फटाफट कंप्लीट करने करवा दो यार, और बस 2,000 लाइक का टारगेट रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।